बात समझ में आ गई। तो क्रेडिट टेबल का रिविजन कर लेते हैं हम लोग। देखो देखो क्रेडिट टेबल किसके जिसको जो जो आता है सब बोलेंगे बेटा एक साथ, ठीक है? देखो और अपने शॉर्ट नोट्स हैंड टू हैंड तैयार करते रहना बेटा, ठीक है? मशीन वो आंसर हो गया। देखो तुम सबसे पहले सबसे पहले प्रायोरिटी टेबल में पहला पॉइंट क्या आता है हम लोगों को? पहला पॉइंट हमारा क्या आता है सबसे पहले प्रायोरिटी टेबल में? सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा बताओ? हिस्ट्री ऑफ प्रायोरिटी टेबल, डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी टेबल। तो हिस्ट्री ऑफ प्रायोरिटी टेबल और डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी टेबल के बारे में तुम लोगों ने 9th क्लास में और 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? उसको एक बार रिवाइज कर लेना, उसको आगे कर लेना, ठीक है? उसको कर लेना है। देन आफ्टर आपको उसके बाद सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है पेरोडिसिटी प्रॉपर्टी। क्या आता है बेटा? पेरोडिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? पेरोडिसिटी प्रॉपर्टीज जल्दी बताओ। पेरोडिसिटी प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग बताओ जल्दी से फटाफट। सब बोलो, सबने पढ़ा है ना, तो सब बोलो एक साथ। अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं ऐसे लिख के चला जाऊंगा। सबको बोलना जरूरी है। बताओ सबसे पहले क्या पढ़े थे? एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज, ठीक है? अब तुम लोग जानते हो बेटा एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन क्या होता है एटॉमिक साइज का? जल्दी जल्दी आप समझना। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा क्या होगा? साइज क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? पक्का? अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज क्यों होगा? जैसे ही टॉप टू बॉटम में मूव करूंगा इसी पीरियोडिक टेबल में, तो आपका क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। और साइज इंक्रीज होगा उसका रीजन क्या हुआ? साइज इंक्रीज हुआ उसका रीजन क्या होगा बेटा? ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल। ये बात क्लियर है? ये बात किसको नहीं आती? वो आती ही है। अब देखो इधर हम ऐसे भी बोलते हैं इसको ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल, वो तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल दिया। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, पीरियड नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो आपका साइज बढ़ेगा। जैसे अगर मैं किसी पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 डाउन टू द ग्रुप जाते तो क्या होता है? पीरियड नंबर में इंक्रीमेंट होता है, होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? तो अगर पीरियड नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो इसका मतलब साइज भी इंक्रीज होगा। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा? साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज? साइज साइज डिक्रीज क्यों होगा? साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा बेटा? सब बोलो, गलत भी बोलो सही भी बोलो। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। चलो बहुत बढ़िया बात, जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जेड इफेक्टिव होता क्या है? हाँ अब सुनना, एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट वन आपका आएगा जेड इफेक्टिव। सेकेंड वन आपका क्या आएगा बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्टिव आपका होता क्या है? जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? बोलो अट्रैक्शन पावर। सब बोलो बेटा, गलत भी बोलो लेकिन बोलो जरूर, ठीक है? अट्रैक्शन पावर। और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा? रिपल्सिव पावर। बात क्लियर होगा? रिपल्शन बोल दो या फिर रिपल्सिव पावर बोल दो, बात क्लियर है? अब देखो अगर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन किसके बीच होगा? रिपल्शन होगा तो रिपल्शन किसके बीच होगा? अब बात को ध्यान से सुनो, ये बीच में मैंने न्यूक्लियस बना दिया, बात क्लियर है? ये मैंने एक शेल बनाया, इसके बाद मैंने दूसरा शेल बनाया, इसके बाद मैंने तीसरा शेल बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? बात क्लियर है? अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है?
बात क्लियर है, ये मैंने पूरा शेयर नहीं बनाया। ये बताओ शेयर का मतलब शेयर कैसा होता है, शेयर हम किस तरीके से बनाना चाहते हैं, शेयर का मतलब मीनिंग क्या होता है, शेयर को हम एक्चुअली टर्म क्या बोलते हैं, शेयर से पहले हमने उसको क्या बोला था, और वेट बोर ने क्या बोला था, निल्स बोर ने क्या बोला था जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन जोर से बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, सीधा नहीं बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट, क्या होता है सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन आपकी क्या करता है मूवमेंट करता है, और उसी सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे ऑर्बिट, बात क्लियर है, तो शेल का मतलब है ऑर्बिट, और ये आपका क्या है ऑर्बिट ही है, मान लो अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, माइनस चार्ज क्या करेगा रिपल्शन, तो यहां पर आपका क्या आएगा रिपल्शन आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस आपस में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है पक्का, और प्रोटॉन पे तो होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है कि नहीं होता, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा, तो कौन सा फोर्स लगेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे ना माइनस प्लस मतलब अट्रैक्शन, माइनस माइनस मतलब रिपल्शन, बात क्लियर है ये चीज, अब जहां अट्रैक्शन पावर लगेगा इसका मतलब वो क्या है, और जहां रिपल्सिव पावर लगेगा वो क्या है, स्कैटरिंग इफेक्ट, और स्कैटरिंग इफेक्ट को मैं किससे शो करता हूं, बताया था ना कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्कैटरिंग इफेक्ट, बताया था ऐसा मैंने, ये वाला पॉइंट आपको खुद से कल करके लेके आना है, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्लेटर रूल, बताया था मैंने स्लेटर रूल, ठीक है कोई बात नहीं, अब देखो यहां पर समझना, यहाँ पर शेडिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट का बहुत दूसरा नाम क्या होगा बेटा, दूसरा नाम क्या होगा बोलो, शेडिंग इफेक्ट, ठीक है, अब देखो शेडिंग इफेक्ट इसका दूसरा नाम होगा, तो शेडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा, शील्ड का मतलब क्या होता है, जनरली जनरली शील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोटेक्ट करना, अब देखो ध्यान से सुनना, एस ऑर्बिटल का साइज बड़ा या छोटा, छोटा, P का बड़ा, D का बड़ा, और F का सबसे ज्यादा, सबसे साइज बहुत बड़ा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास ओवर वॉल्यूम, F का तो वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया ना, साइज बड़ा होगा तो वॉल्यूम बड़ा क्या, तो F में डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी, मतलब F में पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, कम होगी कि बताओ, कम होगी कि ज्यादा होगी, सोच के बताओ, कम होगी, पक्का कम होगी, अब बताओ डेंस वर्ड का मतलब क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है, मेरे पास दो बकेट है, क्या है मेरे पास दो बकेट, एक बकेट में मेरे पास सिक्स बॉल है, और एक बकेट में मेरे पास एट बॉल है, ठीक है, दो बकेट में, अब बताओ कौन सा बकेट ज्यादा डेंस है, एट बॉल वाला, मतलब डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपेशन, जितना ज्यादा स्पेस आपका ऑक्यूपाइड करेगा वो क्या होगा बेटा आपका, उतना ही डेंस हो जाएगा, बात क्लियर है, बात क्लियर है, अब ये बताओ एस ऑर्बिटल का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन 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 बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, वो डेंस हो जाएगा, मतलब उसका क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर एस ऑर्बिटल की डेंसिटी बढ़ेगी तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली रिपल करेगा कि नहीं करेगा, मतलब अगर किसी किसी ऑर्बिटल की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास पास या फिर दूर दूर, पास पास, पास पास होंगे, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा रिपल करेगा, तो अब मुझे बताओ सोच के कि शील्डिंग इफेक्ट कौन से ऑर्बिटल का ज्यादा होगा, एस का ज्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद किसका होगा बोलो, पी, पी के बाद किसका होगा, डी के बाद किसका होगा बेटा, तो इस हिसाब से हमारा शील्डिंग इफेक्ट बैठता है, बात क्लियर है,
बात क्लियर है? तो क्या होता है एक्चुअली, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे, तो सोच के देखो, यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहे p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो रही है, मतलब उस p ऑर्बिटल की डेंसिटी बढ़ रही है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिवाइड, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करते इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वन बाय वन क्या हो रहे हैं, एड हो रहे हैं। अब उसके अंदर वन बाय वन जब आपके इलेक्ट्रॉन एड होंगे तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगी डेंसिटी आपके बढ़ेगी, जब धीरे धीरे अगर आपकी डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बात क्लियर है? शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया, ये समझ में आया। अब इसमें कई वेरिएशन है, बताओ इसमें कई वेरिएशन होगा है क्या नहीं है? देखो पीरियोडिक टेबल किस चीज को पूरा, ये याद है नहीं याद है? नहीं याद आज मेरे साथ कर लेना, ठीक है? अभी याद करके जाओ बेटा, घर जाके ओनली देखो जो मैंने आज रिवाइज कराया ना, उसको घर जाके ओनली 40 to 45 मिनट आपको एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है 40 to 45 मिनट, ना 1 आवर से ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? अपने टाइम को बचाओ, सेव करो, ठीक है? 40 to 45 मिनट आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है? एक बार मतलब जैसे जैसे पॉइंट वाइज लिख लिख के पढ़ते जाना कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। देखो एक्सप्लेनेशन अगर आपको खुद से ज़्यादा आएगा ना तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आप तो उसी एक्सप्लेनेशन को रट लिए तो उससे बेनिफिट मिलेगा, एक्सप्लेनेशन हमको करना, ठीक है? तो अब ये बताओ, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाते, ठीक है? बनाए पीरियोडिक टेबल पक्का, किस याद है किसी को थोड़ा बहुत? देखो इस तरफ कौन सा प्रोटोन आता है सबसे, इस तरफ एस, बात क्लियर है? तो अलीना के रब से फरियाद, फरियाद छोड़ दो तुम लोग, ठीक है? हम लोग पहले एस ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फरियाद छोड़ दो, दे दो चलेगा, ठीक है? अब ये बताओ अलीना के रब से फरियाद, बात क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सब बोलो। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बात क्लियर है? अब इसके बाद क्या है बेटा? बेटा आगे कार स्कूटर बाप राजी, बात क्लियर है? बात क्लियर है इसका? तो बेटा आगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बी का मतलब, एम जी का मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब, बात क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ये दोनों कौन से ब्लॉक थे? एस ब्लॉक। ऐसे ही आप लोगों को एक बार खुद से लिखना है, मतलब खुद से लिख लिख के पढ़ना है, जैसे मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे इधर पे रिपीट कर दो, बस परमानेंट मेमोरी में सेव आपके हो जाएगा, एस ब्लॉक हो गया। अब ये वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, बोलते कि नहीं बोलते? और ये वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन है यही लिखते जाओ, इसके बारे में जो जो तुमको याद है, ठीक है? अब तुम लोग जानते हो एक और पॉइंट कि अल्कली मेटल में सबके ऊपर प्लस वन होता है, तो ये बात ध्यान रखना यहीं से, सबके ऊपर क्या होता है? प्लस वन होता है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी प्लस वन से प्लस टू नहीं होगा, ना कि प्लस वन से माइनस वन होगा, हमेशा क्या होगा? प्लस वन। माइनस वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेटल है, माइनस वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये, और इसके ऊपर क्या होगा? बात क्लियर है? बात क्लियर है पक्का? चल नेक्स्ट पे, यहाँ पर कैल्शियम के बाद आता है, क्या आता है? स्कैंडियम। याद है किसी को? साइंस टीचर विनीता कपूर मन ए को नी क्यों जान चलाती है, ठीक है? निमोनिक्स याद कर लो बेटा, इसके सिंपल है, ठीक है? एक बार बोलना सब एक साथ, साइंस विनीता कपूर या फिर कृपलानी बोलो जो तुम्हारे पास है, ठीक है? मन फेकोनी, फेकोनी ऐसा बोलना, क्यों बोलना? इसका रीजन है, क्यों बोलना है? इसका रीजन है फेकोनी क्यों जान, बात क्लियर है? इसका क्या होगा इसके बाद? ये चरा बोलते जाओ, नवा मौत तक रुक रहेगी, पढ़ाई आगे करेंगे। वैसे भी तुम लोग आगे ही करते हो पढ़ाई, तुम लोग टाइम पे तो थोड़ी ना करते, टाइम पे करते हो पढ़ाई,
टाइम पे करते हो पढ़ाई तुम लोग? बोलो, सब बोलो फटाफट। क्या बोला मैंने? लिख लो न्यूमेरिक्स एक साथ, लिख लो फटाफट लिख लो। डी देखो, एस ब्लॉक के न्यूमेरिक्स अलग लिखना, डी ब्लॉक के अलग लिखना। ऐसा कोई याद नहीं करेगा डी ब्लॉक को, ऐसा भी आपको मिलेगा, ऐसे न्यूमेरिक्स कोई याद नहीं करेगा। समझ में आया? हमको कम से कम याद करना है, ज्यादा से ज्यादा। जल्दी से न्यूमेरिक्स सारे लिखो फटाफट। डी ब्लॉक के पहले मैं लिखा करता हूँ, इसके याद है तुमको? हाँ। बोलो एक बार फटाफट, नोट डाउन करो फटाफट, स्पीड से बेटा। ये रिवीजन है, डेढ़ घंटे में हमको मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर कवर कर लेना है, ठीक है? अभी दो दिन में पीरियोडिक टेबल का रिवीजन क्यों करा, तो इसका रीजन पता है आपको? किस किस को पता है मैंने पीरियोडिक टेबल का रिवीजन क्यों लिया? क्योंकि मैं इसका काफी यूज करने वाला हूँ, ठीक है? और अगर टाइम बचा, टाइम मेरे पास रहा, तो केमिकल बॉन्डिंग का भी रिवीजन लूंगा, ठीक है? और हम पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जो हमने छुट्टियों में नुकसान किया है उसका हम अभी कवर कर लेंगे सबके सब, ठीक है? अभी मेरे देखो, मेरे साथ ही तुम लोग करना, एक भी चीज अलग मत करना, अपना दिमाग कम यूज करना, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग कम है, ठीक है? अपना दिमाग कम यूज करना है, ठीक है? मेरा दिमाग यूज करना। इसका बताओ, बोलो एक बार। साइंस जितने लिखते हैं, साइंस टीचर विनीता कपूर, साइंस टीचर विनीता कपूर मन फेकोनी क्यों जान चलाती हो? बेटा न्यूमेरिक्स को कैसे याद करने का तरीका है, सबके पास डेस्क पे, अपने डेस्क पे सबने पीरियोडिक टेबल लगा रखा है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है? उस पर खड़े होते होते न्यूमेरिक्स बोलते हो, अपने आप आपको ये याद होगा। एक दिन नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, तीसरे दिन आपको सारे न्यूमेरिक्स फटाफट याद हो जाएंगे। अगला बोलो, ये जरा नवाब किसी के पास अपना अपना होगा, वो अपना अपना याद कर लिया, ठीक है? ये जरा नवाब मौत तक रो रहेगी पढ़ाई आगे करेगी, ठीक है? हो जाएगा बेटा याद। अगला इसके बाद क्या है? ला बोलो, देखो सामने, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी। बोलो एक बार, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से हर गायब हो गया, इधर पिटाई और होगी। लिख लो इसको फटाफट, लिखो फटाफट स्पीड से लिखो। ये सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। और तुम लोगों को मैंने एक और नाम बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट बताया था, और मैंने बताया था इसके बारे में हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर। बेटा तुम लोग एक काम करो ना, क्लास 12 की एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट लेके रखो, अभी से मैं तुम्हें उसमें अंडरलाइन कराते जाऊंगा, फिर तुम जब वापस से पढ़ोगे ना तो तुम्हें याद आएंगे कि चीजें कहाँ थी, वो चीजें तुम्हारा कवर हैंड टू हैंड होता जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है? ये चीज समझ में आई? अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा? बोलो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा? बोलो, अब देखो इधर, ट्रांजिशन एलिमेंट यहां से यहां तक होते, क्या होते हैं? यहां से यहां तक ट्रांजिशन एलिमेंट। बात क्लियर है? ये नहीं होते, ठीक है? अब इसका नाम बोलोगे आप लोग, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक और बार बोलो सब। एक साथ सही बोलो ना, बोलो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
इसका, ये सुनो मेरी पहले मेरी बात सुनो उसके बाद याद करो क्या होगा बोलो, किसी को याद है पूरा? यट्रिया, जर्कोनिया, निमोनिया, मॉलिब्डेनम, टेक्निटिया, रोथेनिया, रोथेनिया, रोहोडिया, पैलेडिया, सिल्वर, कैडमियम, इसका एडजेक्टिव जानते हो? जल्दी बोलो फिर से। टेक्टिनियम बोला आगे, आप देखो इसका बोलो, लेंथ है ना, ऑफिया, टेंट है ना, टंगस्टर, इसका असली नाम क्या होता है? तो टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मिया, इरिडियम, प्लेटिनम, बोले एक बार, इसका होता है वो हाइड्रोजन जीनियम, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से समझना कि देखो तुम लोगों को ये इतना ही, अब इसको याद कैसे करना है? डेली अगर एक बार ना नाम बोलोगे ना पीरियोडिक टेबल पे सुबह शाम, कितना टाइम लगेगा नाम बोलने में? खुद से बोल के बताओ कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट डेली नाम बोलना अपने आप, 5वें दिन आपको नाम खुद को खुद याद लेंगे न्यूमोनिक्स के साथ। बात क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूँ वही करते जाओ, अभी अभी तक आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, अब जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ, आगे बढ़ो। यहाँ तक क्लियर है? अब ये होता है कोइन मेटल, कोइन मेटल कौन सा होंगे जो, हाँ कॉपर, AgAu, क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में इसी से कोइन बनते थे, इसको क्या बोलते हैं? कोइनेज मेटल। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तुम्हें पता है ना कॉपर, ठीक है? आगे आगे बढ़ो, आगे इसके आगे कौन सा होता है एलिमेंट? जल्दी बोलो, बोरॉन फैमिली होती है, जल्दी बोलो, बोरॉन, ब्रिटेन के ओल गंजे, इंडिका तेल बेचे, या फिर बाल गंगाधर इंडियन क्लब, जो आपको याद हो वो लिखो, ठीक है? क्या होगा? बाल गंगाधर इंडियन क्लब या फिर ब्रिटेन के ओल गंजे, ठीक है? नाम बोलो, बोरॉन, एल्युमिनियम, डेलियम, इंडियम और थेलियम। इसके बाद कौन सा है? क्या आएगा इसका? कहे शिव जी, सुने पार्वती, ठीक है? याद है आपको इसके 3-4 भी याद है, तो बहुत सारे होते हैं इसका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये जरूरी याद रहते हैं। आगे बोलो, ऑक्सीजन और सुरेल सेठी, डेरी पावर, या फिर और स्टैंडर्ड, तुमने बहुत सारे याद किए जो तुम्हें अच्छा लगे वो याद करो, ठीक है? नेक्स्ट, फिर कल बाहर आए आठ, ठीक है? ये तो था तुम्हारा इसका। आगे क्या था? हीना, नीना और करीना, जेरोक्स करते रहना, सीमा मोशन करते रहना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ तुम्हारा? क्लियर हुआ पूरा? देखो ये इस तरीके से याद करना। अब इसके नाम बोलो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इसका बोलो तो क्या होगा? जर्मेनियम, क्या होगा? ये बताओ लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होता है? हाँ लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होता है? ग्रेफाइट होता है, 0% लेड होता है, ठीक है? दिमाग अपना मत लगा देना वहां पर, लीड है तो लीड होगा ही, ठीक है? आगे बोलो, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, आगे बोलो, ओम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, आगे बोलो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है? आगे बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, नाटो। बात क्लियर है? ये सारे आपके हो गए,
ठीक है, सारे आपके प्रोडक्ट लेवल के हो गए। अब ये बताओ इस फैमिली को क्या बोलते हैं, बच्चा बोल बच्चा बोलन फैमिली, बोलन फैमिली बेटा। मुझे अगर एक बच्चा है तब मुझे बता देना कितना टाइम हो रहा है। साढ़े बारह हो रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, वो एक बजे तक इसी को वो एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसमें एटॉमिक रेडियस कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को हम आगे कर देंगे। कार्बन फैमिली को, कार्बन को कार्बन फैमिली बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यस। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फैमिली। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनता है बेटा ये। अच्छा मतलब तुम्हें आ गया, ये क्या होगा निकोजन फैमिली। बात क्लियर है, ये कौन सी होगी फैमिली बेटा। अब देखो ऑक्सीजन फैमिली तो तुम्हें याद रहेगा, नाइट्रोजन फैमिली तो तुम्हें याद रहेगा, हम क्यों ना दूसरा नाम याद रखें, हमको आगे बढ़ना है ना। तो फिर फ्लोरीन में हैलोजन फैमिली, बात क्लियर है। और इसका नाम इनर्ट गैस, इनर्ट गैस फैमिली, ठीक है। लेकिन ये आगे जाके नहीं रहा, आगे जाके इसको क्या बोला गया, नोबल गैसेस। अब इसका रीजन सब बताओ, इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या मिला हमको, ज़ेनोन का कंपाउंड है ना, तुमने केमिकल कोडिंग में मेरे बहुत सारे ज़ेनोन के कंपाउंड बनाए थे ना, वो सारे एग्जिस्ट करते, तो ज़ेनोन का कंपाउंड मुझे मिलने लग गया, तो इसका मतलब क्या ये इनर्ट बचा, इसीलिए इसका नाम इनर्ट हटा के बाद में नोबल गैस। समझ में आया, समझ में आया पक्का। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर और ऑर्गन के बारे में एक अच्छी बात बताओ, ऑर्गन तुमको कहाँ मिलता है, ऑर्गन एटमॉस्फेयर में होगा तो कैसे डिटेक्ट करोगे, बहुत अच्छी बात होती है। चार को जानते हो, कोकोनट को जानते हो, कोकोनट का शेल होता है, कोकोनट का शेल आपके ऑर्गन को ऑब्जर्व करने का काम करता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे जाके मैं बताने भी वो वाला हूँ, लेकिन फिर भी इसको अभी से थोड़ा बहुत ध्यान रखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो निकोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, निकोजन फैमिली क्यों बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को, क्योंकि इसका इसका जो हाइड्राइड बनेगा, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ो क्या बनेगा, अमोनिया। नाम बोलो ये नहीं, NH3 वो मुझे याद है, क्या बनेगा अमोनिया। इसमें बढ़ाया था फॉस्फेन, क्या बोला उसको, इसका क्या बनेगा फॉस्फेन, इसका आर्सीन, इसका स्टीरेन, इसका बिस्मिथिन। बात क्लियर है, ये सारे नाम ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो इससे जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना वो सारे पॉइजनस होते हैं। अमोनिया क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। ये फॉस्फेन क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ठीक है, ठीक है। अब ये चार को जब क्यों पड़ा, ये आपको आइडेंटिफाई करके लेके आए, ठीक है। ये आपका होमवर्क, होमवर्क में ऐसे ही दूंगा बेटा, क्योंकि जब तक आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं आंसर, तब तक तुम्हें अपने तुम्हें अगर पकाए पकाए मिल गया तो तुमने क्या, ठीक है। ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अब बताओ, मैंने बताया था एक बार रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सीधा डेफिनेशन लिखवा था, लिखवा था नहीं लिखवा था, तो सीधा क्या आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव। बात क्लियर है, ये सब मैंने बता दिया इसका। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ब्रिज आप जानते हो एक कौन सा ब्रिज का फॉर्म नहीं, डायगोनल रिलेशनशिप, बेचारा इसका इसके साथ, इस बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप इस इन दोनों में ज्यादा दर्शा जाता है, वैसे तो बोरोन का भी सिलिकॉन के साथ होता है, कार्बन का भी फॉस्फोरस के साथ होता है, नाइट्रोजन का भी सल्फर के साथ होता है, लेकिन हम तो इन दोनों को मेन फोकस करेंगे क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ये तो थे, ये वाला सेट कर रहा मेटल, ये पूरा बीच वाला क्या, ये भी मेटल। अब सुनना, HG आपको क्या होता है, लिक्विड, पर है मेटल। अब सुनो, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे इसकी इसका हम मेटल, ये मेटल है, इनके इनके मेटलिक प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाय
मेटालिक बॉन्डिंग, इससे डिफाइन करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। इस बात का खास ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एच जी लिक्विड है, मेटल होने के बाद, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग वीक है। हो गया एक्सप्लेनेशन, हो गया एक्सप्लेनेशन। कॉपर हार्ड है, क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे ज्यादा हार्ड तो मैंगनीज है, सबसे ज्यादा हार्ड तो क्या होता है? मैंगनीज होता है। और मैंगनीज के बारे में बहुत बड़ा बात है कि आप मैंगनीज, मैंगनीज जो है आयरन इंडस्ट्री में काम आता है, जो कि MnO2, MnO2 नाम जानते हो, पायरोलुसाइट ओर, क्या बोलते हैं इसको, जो कि किसमें काम आता है? स्टील इंडस्ट्री में। किसमें काम आता है? स्टील इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है पायरोलुसाइट ओर? साउथ अफ्रीका। इंडिया में तो खत्म होने के कागार में है। साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ मिलेगा? चाइना। और इंडिया पे खत्म होने वाला है, इंडिया भी था, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैंगनीज सबसे हार्ड है, ठीक है। अब मेटालिक बॉन्डिंग हम कैसे देखेंगे? मेटालिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, थोड़ा सा 25 होता है, लिखो 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद शेल बनाओ, शेल सबसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते, देखो फटाफट स्पीड से। बेटा रुको नहीं, पेन चलते रहने चाहिए। बेटा एक घर में एग्जाम में जब तक तुम्हारे पेन चलेंगे तब तक तुम्हारे मार्क्स आएंगे। पेन चलना बंद, मार्क्स आना बंद, समझ में आया? तो पेन चलते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए बस। चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, पेन कंटिन्यूअस। वो जो 3 आवर्स गुजर आते हैं ना, अगर किसी का भी पेपर जल्दी खत्म होता है ना, तो इसका मतलब वो पढ़ के नहीं आया है। 3 घंटे कंटिन्यूस पेन चलने चाहिए। और तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, इतने टाइम में एनालिसिस करके बता दूँ, केमिस्ट्री का पेपर अगर जिसका 35 मिनट में खत्म होता है, 30 से 35 मिनट, उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि वो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है। तो ज़्यादा कोशिश करो कि केमिस्ट्री का पेपर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर तुम्हें विश्वास में हो तो A1 वाले बेंच से जाके पूछो। अभी वो केमिस्ट्री का पेपर करते 12th A1, तुम लोग 12th A1 वाले बेंच, वो लोग करते हैं पेपर केमिस्ट्री का ओनली 20 या 25 मिनट में अटेम्प्ट करते हैं। तो तुम्हें भी वैसे ही स्पीड अटेम्प्ट करना है। स्पीड केमिस्ट्री में बढ़ा सकते हो, लेकिन फिजिक्स में और मैथ्स में कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन अगर तुमने केमिस्ट्री में 1 घंटा दे दिया, तो 1-1 घंटे में थोड़ी ना होगा। तीनों सब्जेक्ट इक्वलेंट नहीं है कि केमिस्ट्री आपका इजी है, क्या है? इजी। तो इसीलिए इसमें कम टाइम देना होगा हमेशा पेपर में। जो इसमें ज़्यादा टाइम दे रहा है वो अपनी आदत सुधार लो, ठीक है। और खास तौर से एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना कि टाइमर लेके बैठना है हमेशा केमिस्ट्री के टाइम में, उस टाइम में। और आपको एनालिसिस करना है कि मैंने केमिस्ट्री का पेपर कितने टाइम में किया, मैथ्स का कितने टाइम में किया और फिजिक्स का कितने टाइम में किया। अगर तुमने ऐसा करता रहा तो तुम्हें एंड में जाकर अपने आप सारी चीज़ें तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है? चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का पक्का, किस किस को समझ में आ गया? अब तुमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? सारे के सारे अनपेयर्ड। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अब एच जी का बनाओगे तो एच जी है ना, जिंक के फैमिली का है। तो क्या डी यहाँ पर क्या होता है? D10 होता है ना, जिंक कैडमियम और एच जी के लिए क्या होता है? D10 क्या अनपेयर है? तो इसलिए यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, इसीलिए ये क्या है, लिक्विड। समझ में आया बात समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो एक और शॉर्ट फॉर्म तुमको मैंने बताया था, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जैसी सब, ठीक है। ये सारे क्या है?
मेटलॉइड्स सारे के सारे क्या है और मेटलॉइड्स को दूसरे फॉर्म में मैं क्या बोलूंगा सेडिमेंटल या फिर मेटलॉइड्स बात क्लियर है बेटा सेडिमेंटल या फिर मेटलॉइड्स बोलूंगा बात क्लियर है यहां तक किसी को अगर समझ में नहीं आता तो बोलो अब सुनो ये बताए ये क्या है डायगोनल है इसके ऊपर वाले नॉन मेटल इसके नीचे वाले पीरियोडिक टेबल में एक खास बात ध्यान रखना यहां से डायगोनली अगर मैं ऊपर जाऊं तो क्या पड़ेगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर मैं डायगोनली नीचे आऊंगा तो क्या पड़ेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से यहां गया तो क्या पड़ा मेटालिक कैरेक्टर यहां से यहां गया तो क्या पड़ेगा मेटालिक कैरेक्टर सब में चेक करो इधर देखो इसमें नॉन मेटल 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 मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं इसके हिसाब से ये भी एनालिसिस कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा फिर से रिवीजन में प्रोडक्ट टेबल में डाउनलोड करके जाएंगे तो क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा बात क्लियर है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा बात क्लियर है कांसेप्ट किसको समझ में नहीं आया एड्रेस कर दो किसको समझ में आया पूरा एड्रेस सब समझ में आ रहा है पूछ लूं करना बहुत आसान देख याद आ गया चलो ठीक है आ जाएगा तुम लोगों को अब इसके बाद और क्या देख सकते हो तुम इसमें जल्दी बताओ और क्या देख सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो वो सब तुम्हें अलग ही ढंग से बताऊंगा इसके अलावा और क्या बोल सकते हो देख मेंडेलियव हम लोग जनरली यूज करेंगे मेंडेलियव का ग्रुप नंबर ताकि हम अपना हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 याद कर लेते हैं बस हाँ उससे करते हैं लेकिन आपसे वो नहीं पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा मेंडेलियव का क्योंकि उसी में हमको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम हमेशा वही क्वेश्चन पूछता है जो जिस पर आप ध्यान नहीं देते वो नहीं पूछता जिस पर आपने ध्यान दिया उसको पता है कि बच्चा कहाँ कौन छोड़ने वाला है कौन सा स्किप करने वाला है तो यहाँ पर इसका क्या होगा बोलो कौन सा ग्रुप फर्स्ट ए ए ये सेकंड ए वेरी गुड ये थर्ड ए ये क्या होगा फोर्थ ए ये क्या होगा बच्चा फिफ्थ ए ये क्या होगा सिक्स्थ ए ये क्या होगा सेवन और इसको क्या बोलेंगे जीरो इसको क्या बोलेंगे जीरो बात क्लियर है अब बी सारे के सारे कौन से होंगे डी वाले यहां पर कौन सा होगा बी सेकंड या थर्ड बी यहां थर्ड बी से स्टार्ट होगा थर्ड बी इसके बाद फोर्थ बी इसके बाद फिफ्थ बी इसके बाद सिक्स्थ बी इसके बाद सेवंथ बी इसके बाद एट पूरा एक साथ ना ए ना बी सीधा एट समझ में आ गया इसके बाद फर्स्ट ए फर्स्ट बी सेकंड बी अब देखो कौन सा रोल नंबर आपका ए ए बी से छूटा केवल एट से छूटा और एट में मैंने क्या बोला फेगोनी एक साथ बोला आप करने अब याद रहेगा एट एक साथ आएगा फेगोनी से याद रहेगा पक्का चल ये तो था तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट घर जाके इसको क्या करोगे रिवाइज अब बात आते हैं अभी तक मैंने एटॉमिक रेडियस तो तुमको बता दिया लेकिन उसके वेरिएशन तो नहीं बताया था अब उसके ट्रेंड्स जहां से यहां जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बोलो भाई सब बोलो इंक्रीज यहां से आएंगे इंक्रीज होगा अब यहां से यहां जाएंगे तो ये तो पता पड़ गया लेकिन वेरिएशन कहां आएगा डी ब्लॉक फैमिली में डी ब्लॉक फैमिली में क्या आएगा क्या वेरिएशन है बोलो किसी को याद है वेरिएशन फर्स्ट इंक्रीज गलत फर्स्ट डिक्रीजेस क्यों वेरी गुड ये सही है थोड़ा बहुत लेंथ रोड का बेटा इसके नीचे आएगा जो भी बोल रहे हो लेंथ रोड बड़ा अच्छा कंपाउंड है ये वाला कर जो बोरोन फैमिली लगा लेते हैं काम आएगा बोरोन एल्युमिनियम जाएगा इसके बाद बोलो जी बोलो गैलियम मुझे नहीं आता
टेलोरियम सॉरी ठीक है याद आया। अब बी ब्लॉक में याद कैसे करेंगे हम, बार बार कंफ्यूजन हो वो होता होगा कि पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर कभी तो उल्टा करते हो तो कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है। तो एक काम करो ना यहाँ पर ये लिखो ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर समझ गए, एटॉमिक नंबर क्या 21 22 23 24 25 ठीक है बात क्लियर है। और यहाँ पर क्या लिखो एटॉमिक साइज, बात क्लियर है एटॉमिक साइज जानते हो ये में क्या बनाने वाला जल्दी बताओ, वही है सबका खेल। अब एक चंद्रमा पर अब सोचो फर्स्ट क्या हो रहा है देन क्या हो रहा है पूरे डी ब्लॉक का ऐसा, पूरे डी ब्लॉक का ऐसा ही हाल है बात क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा ये एफी ये कोबाल्ट ये निकल मैंने बोला था ना फेकोनी एक साथ क्या करते हैं, तो इन दोनों में चेंजेस कितना आ रहा है इतना छोटा सा चेंजेस है ना, जब छोटा सा चेंजेस है तो इसका मतलब क्या हुआ एप्रोक्सीमेट इक्वल ठीक है होगा। अब यहां पर स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज तो एक डिक्रीमेंट कैसा हो रहा है खतरनाक, बट इसके बाद थोड़ा सा फिर इसके बाद कॉपर बड़ा हो रहा है फिर इसके बाद समझ में आया साइज बड़ा क्यों होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से या जेड इफेक्ट की वजह से, जेड इफेक्ट क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स स्क्रीनिंग की वजह से। तो आप क्या बोलोगे कॉपर और जिंक में कौन सा फोर्स बड़ा होगा स्क्रीनिंग बड़ा होगा एज कंपेयर टू जेड इफेक्ट कंप्लीट है कंसेप्ट। और यहां से यहां तक कौन सा फोर्स बड़ा होगा अट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन क्या है जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन क्या है हाँ अट्रैक्शन पावर बिटवीन न्यूक्लियाई एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। वैसे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या है जो बताएगा उसको सब आता है सर जो ऑर्बिट में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है क्या सर बोल 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 एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों इलेक्ट्रॉन आपके वेव वेव फॉर्म में मोशन करते हैं डी ब्रोगली पार्टिकल नेचर और वेव नेचर बात क्लियर है। वेव नेचर में मोशन करेंगे तो बिचारा ये न्यूक्लियाई है लेकिन इलेक्ट्रॉन को आप कहां पर ढूंढोगे आपने बोला यहां पर है तो यहां पर कभी ऐसा हो जाए ऐसे बनाया था ना तुमने क्या इसका एग्जैक्ट पोजीशन आपको बता सकते हो नहीं तो हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं पूरे को इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक मैंने लिमिट कर डिसाइड कर दी है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बाहर नहीं जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका लिमिट है इलेक्ट्रॉन चाहे उसके अंदर जाए चाहे बाहर जाए वो मैंने लिमिट डिसाइड कर दी। तो सही डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन बोलो आप डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये तो था एटॉमिक रेडियाई का डेफिनेशन। लेकिन क्या हम किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक रेडियाई सीधा निकाल सकते हैं सीधा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते नहीं निकाल सकते हिम्मत नहीं यहां तक समझ में ये वाला क्लियर हुआ। तो यहां पर बताओ क्या होगा यहां पर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग में क्या फर्क पड़ेगा दोनों एप्रोक्सीमेट सिमिलर हो जाएंगे ये बातें अब याद रहेगी अब भूल जाओगे हाँ या ना नहीं ना अब समझो। अब इसमें एक और पॉइंट क्या जर्कोनियम का साइज हॉफनियम के बराबर होता है ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा एक और मैं लाइन बना रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कोई बात नहीं अगर याद नहीं एक्टिनियम अब पता नहीं
इसको यू यू के टर्म में आपको याद करना है, इस टर्म में याद मत करो, ठीक है? ये आपके सिलेबस के बाहर है, बियॉन्ड द सिलेबस है, तो आप लोग याद मत करो, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत करो, ठीक है? मैं इसका बता दूंगा, ठीक है? ये हो रहे इसके एलिमेंट कैसे रहती था भाई, सले भाई पर हजोमत दास रघुवीर के, ये सारे के सारे जो नाम है ना, ये सारे के सारे किसके ऊपर बने हैं, सारे साइंटिस्ट के ऊपर, सारे के सारे साइंटिस्ट के ऊपर, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट के ऊपर नहीं, ठीक है? ये रदरफोर्डियम, ये हो गया डोबर आइटम, समझ में आ गया? आप एक बार पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है? जहाँ तक देखो इसका साइज इसके बराबर भी होता है। अब ये बताओ कि ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट ये कौन सा पीरियड है फिफ्थ, ये सिक्स, आगे नीचे कौन सा आएगा, सेवन। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये सेवन पीरियड है, तो ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। जब ये आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, 3D सीरीज। नहीं आया समझ नहीं आया, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख और उसमें कौन से डी में तूने इलेक्ट्रॉन भरे, इसीलिए इसको बोलेंगे 3D सीरीज। और इसको कौन सा बोलेंगे, 4D सीरीज। इसको कौन सा बोलेंगे, 5D। इसको कौन सा बोलेंगे, ये बात क्लियर है? अब इसको समझो, लेंथेनम के बाद कितने कंपाउंड है, 14 कंपाउंड्स या एलिमेंट्स। मैं स्टेटमेंट सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, 14 कंपाउंड या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नॉट कंपाउंड। देखो 14 होते हैं, इसके बाद भी क्या होते हैं, ये लेंथेनॉड, लेंथेनम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लेंथेनॉड। तो ये 14 जो बेचारे बचे हैं ना, जो बेचारे 14 कंपाउंड बचे हैं वो कौन से हैं, लेंथेनॉड्स। और जो लेंथेनम के बाद वाले और जो एक्टिनम के बाद वाले जो 14 कंपाउंड बचे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, ठीक है? अब बताओ तुम लोग अब समझ गए होंगे सारे क्या चल रहा है। लेंथेनम में लेंथेनॉइड्स के बाद इलेक्ट्रॉन को हम किस में भरेंगे, ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है, 4F, और ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है। अब मैं यहां पर 3D मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने किस में भरे थे लास्ट, इसको मैंने 4F क्यों बोला है, क्योंकि इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन में 4F में भर होगा। बात क्लियर है? अब बताओ यहां पर साइज छोटा होगा कि बड़ेगा, 4F का शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, 4F का शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, अभी अभी बताया था, बहुत कम होता है। 4F का शेडिंग इफेक्ट कम होगा तो इसका मतलब जेड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड, और इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में